खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कोरोना के साइड इफेक्ट की। कोरोना के कहर के बीच इसके साइड इफेक्ट भी चिंता का सबब बन रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों में टीवी के मामले बढ़ने की खबरें भी मिल रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए टीवी की जांच कराने को कहा है। साथ ही टीवी के मरीजों के लिए भी कोरोना जांच की सिफारिश की गई है। बताया भी जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोरोना के मरीजों में अचानक ही टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिदिन इस तरह के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स को भी चिंतित कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अगस्त 2021 तक बेहतर निगरानी, टीबी और कोविड-19 के मामलों का पता लगाने के प्रयासों में एक रूपता लाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू भी कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी संबंधी पाबंदियों के चलते पिछले साल टीबी के मामलों की सूचनाओं में 25% की कमी आई थी, लेकिन सभी राज्यों द्वारा इस प्रभाव को कम करने के लिए टीबी के मरीजों का पता लगाने के लिए ओपीडी में विशेष जांच की जा रही है और समुदायों में भी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कोरोना के चलते टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं या केस का पता लगाने के प्रयासों से टीबी के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। टीबी और कोरोना की दोहरी बीमारी को इस तथ्य के माध्यम से अधिक उजागर किया जा सकता है, दोनों बीमारियों को संक्रामक माना जाता है और खास तौर से दोनों संक्रमण फेफड़ों पर हमला करते हैं। इनके रोगियों में खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण पाए जाते हैं। वहीं कोरोना ने लोगों को शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं और मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया है। कुछ लोग कोरोना से उबर गए, उन्हें अवसाद ने घेर लिया। अब मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार जैसी बीमारियां अपनी गिरफ्त में उन लोगों को ले रही है। ग्वालियर के एक अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग में दिमागी बुखार बढ़ने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। मनोचिकित्सक के मुताबिक कोरोना के ऐसे मरीज जो कोरोना को हरा चुके हैं, उनमें नींद की कमी, खान पान में अरुचि से कमजोरी, घबराहट और अवसाद में जाने की शिकायतें बढ़ी है। इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बुरा असर पड़ा है। इस कारण लोगों में दिमागी बुखार सहित अन्य मानसिक और शारीरिक रोग पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है? क्या कोरोना से संक्रमित हुए लोगों को टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है? इससे कैसे बचा जा सकता है? जानेंगे विशेषज्ञों से उनकी राय और इस पूरे विषय का विश्लेषण करने की आज हम कोशिश करेंगे। तो कोरोना के साइड इफेक्ट के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि टीबी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो क्या कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में टीबी बढ़ रहा है या टीबी के जो मामले हैं वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि कोरोना के मरीजों की जांच हो, टीबी की जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि क्या वाकई कोरोना के जो मरीज थे जो कोरोना को हरा चुके हैं उनमें ही टीबी के मामले ज्यादा आ रही हैं। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर एम वेलू जी हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंशुमान आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर वली आपसे है, सर इसे किस तरह से देखा जाए और क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में टीबी ज्यादा मिल रहा है या फिर टीवी से ग्रसित वो लोग ज्यादा हो रहे हैं? बहुत अच्छा आपने आज का मसनून चुना है जी। सबको पता है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी अभी तक इरेडिकेट नहीं हुई है, काफी देखी जाती है, खासतौर से गांवों में ज्यादा देखी
जाती है। इसके कई कारण हैं। आज जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत समझने वाला मुद्दा है, इसकी रोकथाम और इसको डिटेक्ट करने के बहुत कॉमनलिटीज हैं बिटवीन कोरोना एंड टीबी। सबसे पहले तो जब हम कोरोना के मरीज का इलाज करते हैं तो उसका हम एक्सरे करा के देखते हैं तो उसमें संभावना टीबी के डिटेक्शन की बढ़ जाती है। दूसरा कोरोना की बात की, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है टीबी अटैचमेंट की या पहले से पड़ी हुई छुपी हुई टीबी या जो बंद पड़ी हुई टीबी है उसका रिक्रूटेशन जाता है शरीर। तीसरा यह है कि बच्चों के लिए ये चीज बहुत रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ हुआ है वगैरह का, उसमें एक तो ये है कि संभावना कम होती है, दूसरे ये कि उनको कुछ न कुछ हद तक प्रोटेक्शन कोरोना से मिलता है। चौथी बात ये है कि अब हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपना छाती की बीमारियों पर। छाती की बीमारियों में हमारे देश में अगर बोला जाए तो सबसे कॉमन बीमारी टीबी की है। कोरोना के बाद होना स्वाभाविक है, कोरोना के साथ का निकल जाना ताकि ठीक होने के बाद उसका एक्सरे में बच जाना और दिखाई देना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। और पांचवी बात ये है कि कोरोना के बाद जैसा आपने अभी बताया सारी क्षमताएं सारी फैकल्टी जो है वो कमजोर हो जाती हैं और उसमें टीबी का संक्रमण बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो टी सेल जिसके जरिए इम्यूनिटी होती है वो कोरोना में बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। तो ये सब मिले जुले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टीबी का संक्रमण या तो ज्यादा दिखाई देने लगा है या कोरोना के साथ टीबी बढ़ रही है, दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। जी डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी सर, क्या वाकई जैसे हम पोस्ट कोविड मरीजों की बात करते हैं कोरोना के ठीक हो जाने के बाद, क्या अगर खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई या फिर सांस फूलना, ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो मरीजों में देखने के लिए मिल रही है, क्या अब ये भी कहा जा सकता है कि टीबी भी इसी वजह से हो रहा है? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं बीमारियों में अटैक कहीं ना कहीं लंग्स पर ही होता है, तो क्या ये भी इसकी एक वजह रहती है? आपने सवाल उठाया है टीबी का कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये रिकवरी के बाद क्या होगा। रिकवरी के पहले समझने की जरूरत है कि दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम मतलब खांसी दम में सांस फूलना इस तरह के लक्षण लेकर प्रेजेंट करते हैं। एक संभावना है कि ट्यूबरक्लोसिस लेटेंट हो, मतलब ट्यूबरक्लोसिस मरीज को आमतौर पर डिटेक्ट नहीं होता, अभी खांसी भी अभी डिटेक्ट हो गया क्योंकि कोरोना का साल चल रहा है। दूसरा ट्यूबरक्लोसिस का मरीज हो, कोरोना डिटेक्ट नहीं होता, ये सिम्टोमेटिक था कोरोना, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है आपके कोरोना टेस्ट किया कोरोना पॉजिटिव आया, तो ये दो तो हो गए कि साथ साथ दोनों चलने वाले। एक संभावना हो सकती है रिकवरी के बाद, रिकवरी के बाद जैसा आपने देखा कि इम्यूनिटी डिसरेगुलेशन मतलब गड़बड़ी के कारण ब्लैक फंगस हुआ, लिवर में एक्सेस हुआ और सारी बीमारियां हो रही थी। यही स्थिति हुई थी जब HIV एड्स की बीमारी कॉमन हुई थी, उस समय अमेरिका में टीबी की संख्या ना के बराबर हो चुकी, जब फिर से ट्यूबरक्लोसिस के मरीज बढ़ने लगे। अभी वही देखा जा रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के मरीज बढ़ने लगे, ये है कोरोना के कारण इम्यूनिटी डिसरेगुलेशन के कारण जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है। इंडिया मानते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है जो आपके शरीर में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कीड़ा मौजूद है लेकिन शांत पड़ा हुआ आपको तंग नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट हो जा रहा है, या आप बाहर से दूसरे किसी व्यक्ति से ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया एक्वायर करते हैं और ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी आने लगती है। लक्षण वही है, अंतर सिर्फ क्या होगा, कोरोना के लक्षण यूजुअली आपको संक्रमण के 5 दिन बाद आ जाते हैं और 2 दिन में काफी सीरियस रूप ले लेता है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस वाले लक्षण और इससे अंतर क्या होगा, अगर कोरोना से रिकवरी आपकी हो गई, आप ठीक रहे 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठीक रहे और फिर से खांसी होने लगी और बुखार आने लगा और ये खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा आपकी चल रही हो, बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो या भूख में कमी हो या एक खास दिक्कत है कि शाम के समय शाम को 5-6 बजे 7 बजे बुखार ज्यादा आता हो या पसीने आते हो पसीना ज्यादा आता हो, तो ये ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है कोरोना से रिकवरी के बाद, इस पे खास ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस तरह के मामलों पे खास ध्यान देने की जरूरत है। आप डॉक्टर वली मुझे ये भी बताइए कि कोरोना के दौरान ऐसे कौन से एहतियात बरते जाए कि बाद में कम से कम टीबी जैसी बीमारियां उनको अपनी गिरफ्त में ना ले, क्या कुछ ध्यान रखे मरीज? आपने जो बात शुरू की है और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, आज हम दोनों की फिर से जोड़ी साथ में है,
सबसे बड़ी तो रोकथाम इसकी मास्क के थ्रू है। जो मास्क वाली बात है हम करते हैं कोरोना के लिए, तो ये तो सारी बीमारियों का संक्रमण रोकती है, और 2 मीटर की दूर पे रहे वो भी टीबी का संक्रमण रोकती है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर ने इसके लक्षण जो गिनाए हैं वो थोड़ा सा अगर हम बारीकी से देखें तो कोरोना से भिन्न है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग लक्षण होंगे, ज्यादा दिन तक परसिस्ट करेंगे, बुखार शाम को आएगा, कम आएगा, 99 के करीब आएगा। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो शरीर में भूख लगना कम होता है, और सबसे बड़ा फीचर होता है वेट लॉस। हालांकि वेट लॉस कोरोना में जो होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है, और टीबी में जो वेट लॉस होता है वो धीरे धीरे होता है। इसको थाइसिस भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, और ये इसका मरीज चकता होता चला जाता है, और दुबला, शीन, जीन, भूख ना लगना, लेट जाना। और आपने भी मेनिनजाइटिस का भी जिक्र किया है, टीबी की मेनिनजाइटिस भी होती है, और उसमें उल्टी आना, बच्चों में इसका ज्यादा होना, और बुखार हल्का आना, कभी कभी इसके लक्षण मुख्तलिफ होते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट लक्षण टीबी का होता है कि बलगम में खून आ जाए, तो बहुत ज्यादा हमारे देश में हम टीबी को सोचते हैं, 99% हम करेक्ट होते हैं अगर किसी के बलगम में खून आए, और उसको खून आने के साथ साथ बुखार हो, और वो जीर्ण शीर्ण होता चला जाए, दुबला होता चला जाए, उसको भूख ना लगे, खाने में रुचि कम हो जाए। और एक हड्डियों की भी टीबी होती है जो कि कोरोना से ज्यादा देखी नहीं गई। ये तो है सिम्टम्स की बात कि आकर किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर वाली अगर मैं बात ये करूं कि जब कोरोना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उस दौरान किस तरह के एहतियात बरते जाएं, सावधानी बरती जाए कि कम से कम अटैक हो फेफड़ों पर, लंग्स पर, और कोरोना जैसी बीमारी बाद में उसको अपनी चपेट में ना ले, किस तरह के एहतियात? सबसे पहले मास्क का यूनिवर्सल इस्तेमाल बहुत जरूरी है किसी भी बैक्टीरियल इंफेक्शन को फेफड़े में जाने के रोकने के लिए। नंबर 2, ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में जहां हम चौल्स में लोग रहते हैं, और जो लोग मजदूरी करते हैं कि कमरे में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, मैं यहां ये कहने में भी नहीं अतिशयोक्ति करूंगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में काम करने वाली नर्सें भी कई कई रहती हैं एक रूम में, उनको बहुत सावधानी की जरूरत है, और मास्क से इसका बहुत ज्यादा इसकी रोकथाम है। दूसरा, अगर आपको खांसी आए, बुखार आए, सर में दर्द हो, वजन कम हो रहा हो, तो फौरन डॉक्टर से मशवरा करें और इसकी जांच कराएं। इसकी जांच बहुत आसान है, हम लोग फूक की जांच करते हैं, हम लोग जो है एक्सरे भी करते हैं, लेकिन एक्सरे इसका डायग्नोस्टिक नहीं होता, बल्कि इसकी फूक में जांच बैक्टीरिया की करते हैं, जिसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। और वो आपने जो रोकथाम की बात पूछी, सबसे ज्यादा रोकथाम है इसका मास्क लगा के हो जाएगा ऑटोमेटिक जब हम कोरोना का रोकथाम करेंगे, और ये सबसे अच्छा इसका मेथड है रोकथाम का। और मैं और ये कहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश, अच्छा आहार लें, उसके साथ साथ माइल्ड व्यायाम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग जो है फेफड़ों को हमारे बहुत कमजोर कर रही है, और आजकल यंग बच्चों में इसका चलन बहुत बढ़ता जा रहा है, और लड़कियों में भी इसका चलन बहुत बढ़ रहा है, तो इससे एहतियात करें। बिल्कुल, इस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगर आप भी कोरोना पेशेंट है, तो खास तौर पर इस तरह के एहतियात बरते ताकि बाद में पोस्ट कोविड कम से कम आपको इस तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े। कोरोना के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं और क्या टीबी भी उनमें से एक है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि टीबी के मामलों की सूचनाओं में 25% की कमी आई थी उस वक्त जब कोरोना काल था, और ऐसे में अब जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों द्वारा इस प्रभाव को कम करने के लिए टीबी के मरीजों का पता लगाने के लिए ओपीडी में विशेष जांच की जा रही है, और समुदायों में भी अभियान चलाया जा रहा है, और इस तरह के अभियान चलाने की की जरूरत है। डॉक्टर अंशुमान, क्या टीबी से बचाव के लिए इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, और अब इस वक्त में? बिल्कुल नेहा, पहले जो मैंने जिक्र किया, अमेरिका में जब ट्यूबरक्लोसिस का कंट्रोल काफी हद तक पा लिया गया था, और एचआईवी के केसेज, एड्स के केसेज जब बढ़ने लगे, तो उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस अभियान शुरू किया था। उसका कारण यह था कि एचआईवी इम्यून डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी करता था, और ट्यूबरक्लोसिस केसेस बढ़ने लगे। तब उन्होंने ये सोचा कि अब सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस इंडिया की बीमारी नहीं है, हमें भी अभियान चलाना है। सेम इंडिया में हुआ, मास्क के अच्छे इस्तेमाल से कोरोना से बचने के लिए ट्यूबरक्लोसिस के एक्टिव केसेज, नए केसेज कम होने लगे थे। 25% आपने बताया, 25% ड्रॉप हुआ था। अभी देखा जा रहा है टीबी के केसेज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर अभियान आप नहीं चलाएंगे तो डॉक्टर या ओपीडी में
बैठे स्टाफ ये सोचेंगे टीबी के केसेस तो आते नहीं, ये कोरोना सोचते रहेंगे, कोरोना तो ठीक है टेस्ट करें, लेकिन टीबी की जांच भी उतने ही सतर्कता से की जाए तभी टीबी का केसेज अर्ली पकड़ा जाएगा। अतवेश क्या होगा, एडवांस स्टेज जब ट्यूबरक्लोसिस होगा तो लंग इंजरी, लंग की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस भी करा रही है, कोरोना भी करा रहा है, और खास करके अभी अक्टूबर का महीना आने वाला है, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी लंग पे भी अटैक करेगा। तो ट्रिपल अटैक जब होगा तो सांस की तकलीफ से बढ़ने, सांस की बीमारी के बढ़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी और तीनों का मिला जुला असर और कंफ्यूजन में रह जाएगा, इसलिए तीनों की जांच अति आवश्यक। कोरोना डॉक्टर अंशुमन ये भी हमें बताइए कि क्या जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए सबकी टीबी जांच कराने की जरूरत है, या फिर ऐसे लोग जिनमें जो आपने सिम्टम्स बताए डॉक्टर वली ने भी बताए उन लोगों को कोरोना टीबी जांच कराने की जरूरत है, क्या आपको लगता है? बढ़िया सवाल है, सबको टीबी की जांच कराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर वली साहब ने सिम्टम बताया, मैंने सिम्टम बताया, उन सिम्टम्स को करना है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स है तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होगा, लॉन्ग नहीं होगा, और लो ग्रेड फीवर इवनिंग में शाम को या रात में पसीना आना या वेट लॉस होना, ये ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण, इस लक्षण में हो या कोरोना ठीक होने के बाद दो तीन हफ्ते के बाद फिर से इस तरह के लक्षण आने लगे और दो हफ्ते ज्यादा बरकरार रहे तब ये जांच करने की जरूरत है। जैसे ब्लैक फंगस के लिए रेगुलेशन था, आपके लिवर एब्सेस के लिए रहा, मेनिंजाइटिस के लिए रहा, वैसे टीबी के लिए गाइडलाइन है कि किनमें टीबी की जांच करनी है किनमें नहीं करनी है, मतलब हर मरीज में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर वली, एसिम्प्टोमेटिक जो लोग थे या जो लोग रहे कोरोना के दौरान ही, क्या उनमें खतरा है टीबी होने का? क्या देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, और यहाँ एक बात मैं आपके दर्शकों को बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ जिसका हमको यहाँ डिस्कशन करना चाहिए कि जिन मरीजों को स्टीरॉयड्स मिला है ट्रीटमेंट के दौरान कोरोना के, स्टीरॉयड जो है और वो टीबी का दोनों का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, क्योंकि स्टीरॉयड देने से जो शरीर की मारक क्षमता कम होती है उसमें डोरमेंट या सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई टीबी जागृत हो जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है आगे चल के ये सामने आ सकता है कि जिन लोगों को स्टीरॉयड मिले या जिनको डायबिटीज होती है उनको भी टीबी का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। स्टीरॉयड वाले, डायबिटीज वाले या कमजोर लोग या जिनके एक्सरे में डाउटफुल शेडो हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं, जिनको खांसी में बलगम में खून आया है, जिनको बुखार परसिस्ट कर रहा है कोरोना से ठीक होने के बाद, ये और एक लक्षण बड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि साथ थकान है, थकान टीबी में भी होती है कोरोना की रिकवरी के बाद भी होती है, तो ये सब चीजें मिला जुला एक ऐसा एक कॉम्बो है जिसको हमको दूध का दूध पानी का पानी अलग करना है। और यहाँ बच्चों की भी मैं बात जरूर करूंगा कि जिन बच्चों के टीके ड्यू हैं उनके टीके जरूर लगने चाहिए, क्योंकि ऐसी दो स्टडीज हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि जिन बच्चों को टीबी का टीका जिसको बीसीजी कहते हैं और एक टीडैप टीका होता है जिसको उसमें टीबी का भी होता है और डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का होता है वो लग जाते हैं, तो उनमें 10.2% संक्रमण टीबी का कम होता है और कोरोना का भी संक्रमण जो है कम होता है, सॉरी कोरोना का जो संक्रमण है 10.2% कम होता है। तो ऐसे बच्चों को जरूर हम टीके लगवाएंगे, तो है बच्चों का, और बड़ों का ये है कि अपने लक्षणों पर निगरानी रखें, अपना वेट रिकॉर्ड रखें और डॉक्टर से मिलते रहें, ये नहीं कि कोरोना से ठीक हो गए अब डॉक्टर की हमारी टाटा बाय बाय हो गई, नहीं, हमको करीब करीब 6 महीने से साल भर तक डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, नहीं तो हमको कल पता लगेगा या तो स्टीरॉयड के बाद भी डायबिटीज होती है वो हो गई, स्टीरॉयड के बाद टीबी होती है वो भी हो गई, हमने ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा किया था वो तो आया और चला गया, लेकिन टीबी जो है ये रह सकती है स्टीरॉयड के एक्सपोजर के बाद, डायबिटीज हो सकती है, और स्टीरॉयड डायबिटीज और टीबी का ये जो एक त्रिकोण है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रेक करना पड़ेगा, सतर्कता बहुत जरूरी है डॉक्टर वली, जिस बात का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खासतौर पर अगर हम दोनों बीमारियों की बात करें तो फेफड़ों में संक्रमण होने की वजह से दोनों बीमारियां कहीं ना कहीं लेती है, और ऐसे में इनके रोगियों में खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या फिर पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो नींद ना आना, शरीर में थकावट लगना, मानसिक तौर पर कमजोर कहीं ना कहीं कर देती है ये बीमारियां, ऐसे में अब जो मरीज ठीक हो चुके हैं कोविड से वो क्या करें,
कि इस तरह के कहीं ना कहीं अवसाद उन्हें ना घेरे? देखिए, लॉन्ग हॉल कोविड आपने बताया कि ये सारे लक्षण लॉन्ग हॉल कोविड के हैं, उसके कुछ लक्षण जो ट्यूबरक्लोसिस के चार टॉप लक्षण अलग कर दीजिए, जिसमें इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब शाम को पसीना आना या बुखार होना, खांसी दो हफ्ते से ज्यादा, बुखार दो हफ्ते से ज्यादा और वजन का कम होना, चार लक्षण अगर हो रहे हैं तो टीबी के लिए करें एक बार। दूसरी बात, अब कोरोना से रिकवर हो गए हैं, बाकी चीजों से आप बचें, उसके लिए जरूरत है मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग की, मतलब शुद्ध भारतीय भोजन जिससे आपके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बॉडी में बढ़े, प्रोटीन बढ़े और आपकी वीकनेस जो इम्यूनिटी डिस्टर्बेंसेज हुए हैं, इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस कम की अवस्था में आ जाए। इम्यूनिटी हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इम्यूनिटी हम सम मतलब बराबर ला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस की अवस्था में ले आए। मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज के लिए जो भी फॉलो अप करते हैं, जिस चीज के लिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए, इसके लिए आप उसको फॉलो करें, ताकि आपका उसका भी रोल है मैक्रोफेज और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में। एंड फिजिकल वेलबींग, कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज करें ताकि लंग कैपेसिटी आपकी बढ़े और मसल पावर, मसल एंड्योरेंस आपकी बढ़े, जो आपको इस तरह की चीजों से बचाए। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजों से बचना है तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को आपको मानना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आप पोस्ट कोविड अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर वली, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।